प्रश्न पूछने वाले बंधु, आपने ना तो नाम ना बताया और ना तो आपने अपना स्थान बताया, लेकिन फिर भी प्रश्न आ गया है, लोगों के लिए उपयोगी है तो हम उसका उत्तर कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि गुरुजी, मैं नित्य पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, जब मैं ट्रेन में सफर करता हूँ तो उस समय मेरा पूजा ढंग से नहीं हो पाती क्योंकि मैं स्नान नहीं होता, तो क्या ट्रेन में बैठकर पाठ पूजा कर सकता हूँ? देखिए, स्नान जो है बिना स्नान किए पूजा तो नहीं हो सकती, लेकिन स्नान भी कई तरह का है। तो पति सूत्र वद आचरेत, हमारे यहाँ पहले से धर्मशास्त्र में नियम बता दिया गया है कि पति सूत्र वद माने कम करके यात्रा में व्यवहार करना चाहिए। घर में आप खूब खाते हैं, यात्रा में थोड़ा सा खा लेना चाहिए ताकि क्षुधा की निवृत्ति भी हो जाए और कोई दूसरी समस्या ना हो। इसी तरह से घर में बहुत टाइम फैला के आप सोते हैं और बड़े बिस्तर पर, यात्रा में छोटे बिस्तर में आप काम चला देते हैं। इसी तरह से जैसे बाकी सब चीजों में आप संकोच कर लेते हैं, थोड़े में चला लेते हैं, इसी तरह से ये पूजा पाठ वाला जो आपका मामला है इसको भी थोड़े में कर लीजिए, स्नान वाले मामले को भी थोड़े में कर लीजिए। तो यात्रा में जितनी सुविधा हो उतने में काम करना चाहिए। आप अगर दांत मांझ लें और मुंह धो लें तो आपकी जो नौ इंद्रियां हैं, वो नौ छिद्र, उनमें से सात तो सीधे ही मुंह धोने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद दो रह गए तो उनके लिए आप शरीर पोछ लीजिए, रोम छिद्रों को पोछ लीजिए और कपड़ा बदल लीजिए। इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका स्नान माना जाएगा यात्रा की दृष्टि से। और फिर उसके बाद भगवान की पूजा करिए। पूजा के लिए भगवान की मूर्ति, पूजा के लिए पूजा के उपचार अगर नहीं है तो मानसिक पूजा करिए, आंख बंद कर लीजिए और सब उपचार बैठा करके भगवान की मूर्ति मन में ही सोच लीजिए और बस पूजा कर लीजिए। ये जो मानस पूजा है ना, जिसमें कोई बाहरी उपचार सामग्री नहीं रहती है, चंदन फूल आदि, ये और बड़ी पूजा मानी जाती है। मानसिक, वाचिक और गायिक, तीन तरह की पूजा है। इसमें गायिक जो पूजा है वो सबसे छोटी पूजा है, उसके बाद वाचिक है और वाचिक के बाद मानसिक है। तो सबसे ऊंची पूजा तो मानसिक है। तो आप जिस समय स्नान में आपके संक्षेप हो रहा है उस समय आप पूजा में विस्तार कर दीजिए, क्योंकि मन से ही तो करना है, जितना विस्तार चाहे। एक बढ़िया सोने का मंडप बनाइए, उसमें एक सुंदर रत्न जटित सिंहासन बनाइए, उसमें भगवान को अपने बैठाइए, आप घर में कहाँ बैठा पाए। और फिर उसमें दिव्य दिव्य उपचार पारिजात का पुष्प स्वर्ग से ले आइए और भगवान को चढ़ाइए, कौन मना करे। तो स्नान में संक्षेप करके स्नान कर लीजिए और मानसिक पूजा में विस्तार कर लीजिए, आपकी यात्रा भी बहुत सुखद हो जाएगी, मन भी बहुत।